पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक। 34 पेज पे एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर एग्जांपल के बाद देयर आर फोर नोट्स व्हिच आर गिवन। लेट अस सी व्हाट दे आर। अ जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल नीड नॉट बी जीरो। कहता जीरो ऑफ पॉलीनोमियल की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं कि वो जीरो ही उसका आंसर होगा। पॉलिनोमियल की जीरो का आंसर, पॉलिनोमियल की जीरो कोई भी नंबर बन सकती है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है। पॉलिनोमियल की जीरो वन भी हो सकती है, पॉलिनोमियल की जीरो टू भी हो सकती है, पॉलिनोमियल की जीरो थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है पॉलिनोमियल की जीरो। जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का आंसर हमेशा हमारे पास जीरो ही आए। इट्स नॉट नेसेसरी। जीरो भी किसी पॉलिनोमियल की जीरो बन सकती है, बट हर बार जीरो ही पॉलिनोमियल की जीरो बने, इट्स नॉट नेसेसरी। सेकंड पॉइंट देखो, उसने लिखा जीरो में भी है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो बन भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की जीरो का आंसर जीरो आए ही ना, आ भी सकता है। ठीक है। थर्ड इज एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब इसकी डिग्री वन हो। सपोज आई एम हैविंग दिस लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स। अब मैं अगर इसकी जीरोस निकालूं तो यू नो जीरोस फाइंड करने का मेथड क्या होता है, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करो और एक्स की वैल्यू निकालो। फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, इसका मतलब इसकी जीरो वन आई। अब इसकी जीरो वन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन है उसकी मैक्सिमम जीरो हमारे पास वन नहीं होगी। सो मैक्सिमम जीरोस दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव, वन मार्क आपका क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ से, दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड वन जीरो। हाउ मेनी जीरोस अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव, वन एंड ओनली वन जीरो। चलिए नेक्स्ट, अगला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट। पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। पॉलिनोमियल आपको पता है जो पॉलिनोमियल होती है, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब हम पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेते हैं। पॉलिनोमियल की दो से ज्यादा जीरोस हो सकती हैं। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं उसकी दो होती है, क्यूबिक की थ्री। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पॉलिनोमियल हैव मोर देन टू जीरोस, राइट। ये तीन चार नोट्स थे जो इसे मिस हो गए थे हमारे, ये रह गए थे करने वाले। आई डोंट मतलब मेक यू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली यू डील विद देम। चलिए जो नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। लेट अस सी दैट व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम इज एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। So I was telling you yesterday that earlier we have learned that when we divide a polynomial, say x square plus 2x plus 3 by x plus 1, अगर हम इसको x plus 1 से जो है वो divide करें तो हमारे पास answer आता है x plus 3। आगे भी हो सकता है ये x plus 1, तो answer आता है 2। ये आपका remainder आ रहा है, remainder comes out to be 2। जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, आपके पास रिमाइंडर का आंसर 2 आ रहा है। दिस इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 2। सो देयर इज वन अल्टरनेटिव व्हिच कैन विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल विदाउट डिवीजन। नाउ दिस इज टू आवर सरप्राइज दैट कैन विदाउट डिवीजन रिमाइंडर वी विल बी फाइंड आउट। डिवीजन के बिना रिमाइंडर फाइंड करना ये बड़ा एक सरप्राइजिंग सा लगता है, सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है, बट यस वी कैन फाइंड रिमाइंडर विदाउट यूजिंग और विदाउट डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय द अनदर पॉलिनोमियल बाय वन थ्योरम विच इज बेटर नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम जो है वो रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं व्हेन वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल। लेट अस सी हाउ। सबसे पहले इसका जर्नल जो आपके पास इस थ्योरम की डेफिनेशन है उसको हम पहले करते हैं, देन वी विल डू इट्स एप्लीकेशन। एक चीज और, जब हम डिवीजन करते हैं, ये एक जर्नल सी चीज आपको बता देती हूँ, ये है हमारे पास, हमारे पास
जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें पता है कि ये जो है दिस इज जिसके साथ हम डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर डिवाइजर इज एक्स डिविडेंड एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री कोशेंट इज एक्स प्लस वन एंड रिमाइंडर इज टू. टू हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और हम कर चुके हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है. इसकी टू की डिग्री हमारे पास जीरो होगी. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो. बट आई वांट टू कन्वे एक तो आपको डिवीजन एल्गोरिदम आना चाहिए. डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है इनके बीच में रिलेशन दैट डिविडेंड इज इक्वल टू आपने एट में किया हुआ है दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. This is called, you can say, division algorithm. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Division algorithm हमारे पास ऐसे जो है वो चलता है. अब यहाँ पे ये जो remainder होता है ना, remainder की degree हमेशा divisor की degree से कम होगी. आप खुद देखो, आप किसी भी number को किसी number से के साथ अगर divide करते हो तो जो रिमाइंडर होता है, मैं जैसे 5 से 16 को डिवाइड करूं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है. कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल या डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता. इसी तरह से डिवीजन एल्गोरिदम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा आपके डिवाइजर की डिग्री से कम होगी. वन मार्क कुछ भी इसमें से जो है वो डिजाइन हो सकता है. द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर. ये आप देख लो पेज नंबर 37 पे आपके डिवीजन एल्गोरिदम लिखा हुआ है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वेयर डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर दैट मींस आरएक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ जीएक्स दैट मींस डिवाइजर. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज less than the degree of divisor. Remainder की degree हमेशा हमारे पास divisor की degree से क्या होगी, कम होगी. Right? चलिए अब हम आते हैं अपने remainder theorem की तरफ. देखें what the remainder theorem is and how with the help of the remainder theorem we can find remainder when a polynomial is divided by the another polynomial without doing division. डिवीजन किए बिना हम फाइंड कर सकते. जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल है एक पी ए. अगर मैं लिखती हूं पॉलिनोमियल पी एक्स दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉलिनोमियल विच इज इन द वेरिएबल एक्स. एक्स वेरिएबल में हमने पॉलिनोमियल एक चूज कर ली. सपोज दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. ये हो गई डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है एंड ये हो गया डिवाइजर जो डिवाइड करेगा. दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए. देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम सेज. जो आपका डिवाइजर है आप उसको जीरो के इक्वल पुट करो, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करो. व्हाट एवर डिवाइजर यू आर हैविंग पुट इट टू बी इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम देयर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करो. जो एक्स की वैल्यू आएगी बाय पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल यू विल गेट द रिमाइंडर. दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल थी हमारी डिविडेंड था P of A. इस डिविडेंड में इस पॉलिनोमियल में जो आपकी यहां से डिवाइजर के थ्रू x की वैल्यू आई है उसको इस पे पुट करने पर यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर. राइट. तो ये एक ऑल्टरनेटिव हो गया जिसमें हमने ये सीखा कि डिवीजन किए बिना हम एक पॉलिनोमियल जब दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड होती है तो रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं. हैड इट बीन x प्लस वन, अगर डिवाइजर x प्लस a होता देन हमारे पास x की वैल्यू आती माइनस ए एंड इन दैट केस
remainder it will be becoming p of minus a. तब remainder p of minus a हो जाता. If a polynomial px is divided by another polynomial x minus a, then the remainder will be p of a. And if a polynomial px is divided by the polynomial x plus a, then the remainder is p of minus a. सिर्फ प्लस और माइनस का चक्कर है. अगर प्लस a से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर माइनस a हो जाएगा. x को छोड़ के जो बचा उसका उल्टा साइन कर दो. यहाँ पे x को छोड़ के माइनस a बचा, उल्टा साइन प्लस a हो गया. यहाँ पे x को छोड़ के प्लस a बचा, उल्टा साइन माइनस a हो गया. तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन ए पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल. यहाँ पे तो इजी हो गया. मैंने बोला कि आपको x को छोड़ के जो बचा उसका साइन उल्टा करके लिख दो. यहाँ पे भी मैंने बोला कि x को छोड़ के जो बचता है उसका साइन उल्टा करके लिख दो. बट अगर हमारे पास जो डिवाइजर है वो ऐसा हो पी एक्स माइनस ए, फिर तो हम x को ऐसे छोड़ नहीं ना सकते. x को तभी ऐसे छोड़ना है अगर x का कोफिशियंट 1 है. इस केस में हम वही रूल अपनाएंगे कि इसको 0 के इक्वल पुट करो. 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू a बाय 3 आ गई. x की वैल्यू a बाय 3, इसका मतलब इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ a बाय 3. बस आपने एक बात याद रखनी है सीधी सी, जब भी हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, बट वी विल डू हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, दैट विल बी द रिमाइंडर. चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड. मेरी तरफ से मैं करवाने लगी हूँ क्वेश्चन. देर इज ए पॉलिनोमियल पी एक्स से एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 9. फाइंड रिमाइंडर find remainder when px is divided by, पहले मैं easy वाला करवाने लगी हूँ, x minus 3. find remainder when px is divided by x minus 3. क्या करेंगे हम, इसको 0 के equal put कर दो, x की value 3 आएगी. ठीक है, so remainder is equal to P of 3, जहां जहां x है उसकी जगह पे 3 पुट कर दो. दिस इज 3 क्यूब 2 × 3 प्लस 9. ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो पुराने क्वेश्चन ही हो गए कि किसी पॉलिनोमियल के नंबर पे वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. जहां x है वहां वहां 3 पुट कर दिया, ये बना 27. कुछ बच्चे कहते हैं 3 × 3 = 9. नो, 3 क्यूब मीन्स 3 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 27 प्लस 6 प्लस 9, 33 प्लस 9 एंड दैट इज 42. इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर विल बी 42. राइट, तो ये आंसर हमारा 42 बना. ये रिमाइंडर आया व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस 3. Had it been x plus 4, मैं इसको चेंज करूं थोड़ा सा. Find the remainder when the given polynomial is divided by another polynomial that is x plus 4. First step क्या करेंगे? Chaitanya, you tell what will be the first step. Chaitanya, unmute yourself. Tell me what will be the first step. Chaitanya. Unmute yourself. What will be the first step? Ritika, you tell what will be the first step. Yes, Ritika, unmute yourself and tell me the first step. Ritika, Navnoor Kaur, Navnoor. X, ma'am, x is equal to. X plus 4 is equals to 0. Who is this? Navnoor. अच्छा, सबसे पहले नवनूर ने बिल्कुल ठीक बताया कि आप x plus 4 को 0 के इक्वल पुट करो और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 आ गई. हाँ जी, x की वैल्यू माइनस 4 आ गई, तो नवनूर व्हाट विल बी रिमाइंडर? P माइनस 4.
शाबाश, रिमाइंडर विल बी पी ऑफ माइनस फोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पुटिंग दिस टू बी इक्वल टू जीरो, गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम रिमाइंडर विल बी पी ऑफ माइनस फोर. लेट अस पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर हियर. दिस बिकम माइनस 64 माइनस 8 प्लस 9. दिस विल बी माइनस 72 प्लस 9. Minus 63 is that. Let us change the dividend, divisor. So now I am writing, find the remainder when the given polynomial is divided by the another polynomial. I am taking the example 3x plus 5. Find the remainder when the given polynomial is divided by 3x plus 5. Hanji, Kirtima, can you tell me the first step? Kirtima, can you tell me the first step? Bachche, unmute yourself. Ritika, unmute yourself. Tell me the first step. Gurleen. Gurleen, you tell me the first step. बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को. नवेदिता राघव 43 रोल नंबर अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे भाई अपने आप को आप लोग. चलो कल क्लास में आओगे सबसे पहले क्वेश्चंस ही पूछूंगी मैं, बाद में आगे प्रोसीड करेंगे. यस राघव यू आर अनम्यूटेड, यू टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप. Voice is not audible to me. Navedita, you unmute yourself. Navedita, your hand is raised. You unmute yourself. Ma'am. Speak up. Minus five. Minus five? नहीं first आप करोगे first step क्या करोगे आप side पे क्या करते हो. 3x ऊपर रहेगा और x cube ऊपर 3x नीचे. नहीं आप मुझे और नीचे ऊपर क्या नीचे ऊपर नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लिखूं क्या. 3x ओवर x क्यूब. क्या 3x ओवर x क्यूब, ये रिमाइंडर है सॉरी ये डिवाइजर है, इसके अकॉर्डिंगली हमें x की वैल्यू चाहिए, क्या लिखूं फिर. 3x over x cube, x x कटेगा फिर over x cube कौन है, मेरे को तो कहीं over x cube नजर नहीं आ रहा. कहाँ over x cube, 3x plus 5 है divisor. मेरे को तो x cube कहीं नजर ही नहीं आ रहा, आप पता नहीं कौन. हाँ बोलो. 3x equal to 5 equal to 0. क्या 3x equal to 5 equal to 0? 3x plus 5 is equal to 0. जिसके साथ डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. नेक्स्ट स्टेप निवेदिता. प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा. ठीक है. देन x x equal to minus 5 over 3. ठीक है. ये x की वैल्यू आ गई. तो रिमाइंडर का क्या आंसर बनेगा. रिमाइंडर पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई थ्री आई. अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू माइनस फाइव ओवर थ्री. पी एक्स इज इक्वल टू रिमाइंडर ओह नो सॉरी P माइनस थ्री ओवर फाइव. P माइनस थ्री ओवर फाइव, इसको उल्टा कर देंगे. P माइनस फाइव P माइनस फाइव ओवर थ्री. फाइव ओवर थ्री अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम
रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री। आपने भेजी था पी ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे माइनस फाइव ओवर थ्री। जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस फाइव बाई थ्री की वैल्यू, x की जगह पे माइनस फाइव बाई थ्री। यू विल रिप्लेस x बाय माइनस फाइव बाय थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस फाइव की पावर थ्री दिस इज माइनस वन ट्वेंटी फाइव, थ्री की पावर थ्री दिस इज ट्वेंटी सेवन, प्लस माइनस माइनस फाइव टू जर टेन अपॉन थ्री प्लस नाइन। अब एलसीएम ले लो, थ्री एंड ट्वेंटी सेवन का एलसीएम ट्वेंटी सेवन। So you will be having minus 125, 3 9s are 27, 9 10s are 90, 27 9s are 243. Now solve it further, you will be having minus minus plus, minus 125 minus 90. This will be minus 215 plus minus minus 243 minus 215, 28 upon 27 is the answer, right? So this is the way in which we can find out remainder without using division. Division use kiye bina hum remainder find kar sakte hain, and that is with the help of remainder theorem, right? Find the remainder when this is divided by 2x plus 1. Chaliye, do it right now. When this polynomial is divided by 2x plus 1, isko solve karo. Minus 27 plus 18 plus 1. This is minus 9 plus 1. That is minus 8. Check kar mujhe karne mistake kahan kar liye. Ma'am, theek hai. मैम आ गया, ठीक मैम आ गया, ओके। दिस इज द वे टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यू कैन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड। फर्स्ट क्वेश्चन सारे पार्ट डू योरसेल्फ ऑन योर रिवीजन नोटबुक। सेकंड थर्ड हम करेंगे क्लास में कल, एंड मोर ओवर ब्रिंग योर ज्योमेट्री बॉक्सेस एज वेल। वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ कंस्ट्रक्शंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो मैम। होमवर्क रिपीट करना, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने बेटे आपने, सेम है जैसे मैंने भी आपको करवाए ना, सेम है। हाँ जी मैम, कौन सी एक्सरसाइज के बेटे? जो एक्सरसाइज चल रही है 2.3 वी आर डूइंग 2.3। ओके मैम, थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन ऑल पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ, ठीक है? लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। Find the remainder when the polynomial 2t square plus 5t plus 9 upon t is, पहली बात तो ये polynomial ही नहीं है ना, expression हो गया ये, तो इसको t को हम ऐसे करते हैं, 9 ही लिखते हैं। Find the remainder when this polynomial is divided by the polynomial you can say x plus 6. So what is the first step? We will put this x plus 6 equal to 0. X plus 6 को 0 के equal put करें. So from here you will get x equal to minus 6. X की value आपके पास minus 6 आ गई. सबसे पहले इसका नाम रखो, क्योंकि ये t में है तो इसका नाम we will put it as pt. नाम हमने रख दिया pt. Put x is equal to minus 6. Sorry t, यहाँ पे t plus 6 आना चाहिए.
पी ऑफ माइनस सिक्स पुट करना पूरी करता है. So this is all about for today's lecture. We continue tomorrow. Do bring your geometry boxes tomorrow.